हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक शाइस्ता की दुनिया। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं काफी दिन के बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ। एक्चुअली ऐसा है कि घर में काम चल रहा है तो इस वजह से व्लॉग नहीं बन पा रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ पे हमने जो है किचन का गेट बड़ा करवाया है और किचन भी पूरा फैला पड़ा है। किचन में काम चल रहा है सारा, तो इसको बड़ा कराया है, तो इसीलिए बस व्लॉगिंग नहीं हो पा रही, इसमें बिजी हूँ मैं। और ये देखिए वॉशरूम का, इधर वॉशरूम है यहाँ पे, और इसका जो गेट था वो मतलब रूम के अंदर से था, अब ये बाहर से हमने करवाया है। ये देखिए किचन मतलब बड़ी हो गई, यहाँ पे वॉल थी इसको तोड़वा दिया है, किचन काफी बड़ी हो गई, ये बंद हो जाएगा यहाँ से। और उसके बाद ये है वॉशरूम, यहाँ से इसका गेट था वॉशरूम का, तो ये बंद हो गया यहाँ से, और इसको यहाँ से हमने ओपन करा दिया है। बस इसी में ही बिजी, ये चलेगा काम 10-15 दिन, उसके बाद ही फ्री हो पाएंगे, मतलब उसी काम में लगे हुए हैं, तो अभी ये चलेगा 10-15 दिन काम। तो फाइनली आलिया की फाइल भी बन गई है और काम भी स्टार्ट हो चुका है। अनस कितना काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे बना रही है अपने असाइनमेंट के PDF, कंप्लीट हो चुके हैं। आलिया ऑनलाइन सबमिट होंगे आपके? कल लास्ट डेट है, तो इसीलिए कल लास्ट डेट है, इनको लास्ट में याद आता है। नहीं, रमजान की वजह से हमने छोड़ दिए थे ना। अच्छा अच्छा, रमजान की वजह से। हाँ, तो ये PDF बना रही है। और कौन से ऐप से बना रहे हो? माइक्रोसॉफ्ट। अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं अपने लिए और सबके लिए। अल्लाह ताला रहमान रहीम है। या रब तेरे ही बंदे हैं हम सब, तेरे ही बंदे हैं हम सब, है तू ही माबूद हमारा हमको, है तू ही माबूद हमारा हमको, या रब तेरे ही बंदे हैं हम सब, है तेरा ही सहारा, है तेरा ही सहारा, तेरा दिया हल, एक खाना है तो हम पढ़ लिख जाए, हम पढ़ लिख जाए, इल्म व हुनर की दौलत, या रब तेरे ही बंदे हैं हम सब। नीचे जन्नत है, माँ के पैर के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। सोचो जिसके पैर के नीचे जन्नत है, उसके सर का क्या मकाम होगा। माशाल्लाह, माँ के पैर के नीचे जन्नत है जी। माँ बाप से रख दोस्ती, माँ बाप से रख प्यार, माँ बाप फिर मिलते कहाँ, माँ के पैर के नीचे जन्नत है। सोचो जिसके पैर के नीचे जन्नत है, जन्नत मिले दोजख मिले, माँ बाप फिर कहाँ मिलते कहाँ मिलते, माँ बाप फिर मिलते कहाँ। नमाज से मत कहो कहाँ मुझे काम करना है, नमाज से मत कहो कहाँ मुझे काम करना है, बल्कि काम से कहो कहाँ मुझे नमाज पढ़नी है। अस्सलाम वालेकुम। तो आपको हमारे अब्बू की आवाज कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अम्मी अब्बा जी की आवाज अच्छी लगती है ना, किरत में भी और नात में भी बहुत अच्छी आवाज। वैसे तो हमारे घर, कमेंट करके बताइएगा कि अपने हमारे अब्बू की आवाज कैसी लगी आपको। जगह काम फैला हुआ है बस, और हर जगह इधर से उधर, बस ये काम फिनिश हो जाएगा, मुझे टाइम लगेगा इसमें। और पीछे की आवाज आपको सुनाई देगी तो इसे इग्नोर करना, क्योंकि काम चल रहा है घर में। आज सुबह दिल चाहा कि खीर तैयार की जाए। हमारी शायस्ता
कि उनके वालदा शाहजहां उसने खीर तैयार करी। बहुत अजीज आई मुझे हजरत खान रहमतुल्लाह अलैह का वाक्य आया। आप जब तालीम हासिल करते थे दिल्ली मदरसा में, एक मस्जिद के इमाम थे और ईद का दिन आया, आप मुसल्ले पर थे। मस्जिद के मुतवल्ली नवाब साहब ने जो खीर पेश की, आपने जिक्रुल्ला रोक करके फरमाया कि खीर मेरा एक रुमाल खूंटी पर टंग रहा है कमरे में, यानी हुजरे में, ये खीर उसमें रख दी जाए। नवाब घूम गया और नवाब साहब खीर का जो हाथ में बड़ा तबाक था वहाँ लेके पहुँचा और जो रुमाल पर नज़र डाली तो रुमाल बहुत कमज़ोर हालत में था, उसके तमाम धागे निकले हुए थे। और आपने हजरत के कहने के मुताबिक अमल करते हुए खीर रुमाल में रख करके और खूंटी पर टांग दी और वहीं बैठ के देखते रहे कि खीर जो है वो कितनी रहेगी, कितनी ज़मीन पर टपकेगी। लेकिन रुमाल में से खीर का एक कतरा भी नहीं टपका। हजरत थान रहमतुल्लाह अलैह ईद की नमाज से फारिग होकर तशरीफ लाए और देखा नवाब वहीं बैठे हुए हैं। नवाब ने कहा कि आए हजरत, मैं आज आपको समझा कि आप मेरे बहुत बड़े पीर हैं, मेरे इमाम हैं, और हाथ और खुशामंद से पेश आने लगे। हजरत ने आपको माफ़ फरमाया, यानी नवाब साहब आपको बार बार परेशान करते थे, मिट्टी के लोटे वगैरह का दौर था, वजू खाने की जिम्मेदारी, सफाई की जिम्मेदारी सब आपसे लेते थे। लेकिन हजरत खान रहमतुल्लाह अलैह ने उसी रोज मस्जिद से इस्तीफा पेश कर दिया और दारुलूम तशरीफ ले गए। तो खीर का वाक्य पेश आया कि अल्लाह वाले जितने भी बड़े बड़े ये छोटे होते हैं वो मख्फी या जाहिर में जिक्रुल्लाह करते हैं, उनका जो अमल है वो सामने आ जाता है। अल्लाह ताला हमको भी नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। गर्मी में मेरे काम में लगे हुए हैं, ठंडा शरबत पियो। माशाल्लाह ठंडा ठंडा कूल कूल, गर्मी बहुत हो रही है ना। ये करीम होटल है हमारे जामा मस्जिद दिल्ली में, खाना बहुत मशहूर है, ऐसे ही तुमने शरबत दिया है वहाँ पे, ये भी तो बनता है मोहब्बत शरबत। माँ बाप की और साथियों की और अपने सहेलियों की और इनकी छुट्टी चल रही है, यहाँ मिस्त्री भी लगे हुए हमारे, और कई दिन से ज्यादा गर्मी है, मुझे इसलिए बेहतरीन स्पेशल शरबत दिया है। रोहिफा का आपने अम्मी को दूसरा शरबत दिया है, अल्लाह ताला इसको अम्मी दूसरा बना रही है। कौन सा वाला? आम वाला पी रही हो? आम वाला। दुनिया में अल्लाह ताला मेरी शायद को, सब बच्चों को, मेरे बच्चों को खुश रखे अल्लाह ताला, और नेक सलाहियत दे, सिरत ने सुदा फरमाए नबी के सदके में, आमीन या रब्बल आलमीन। अलैकुम। तो ये वीडियो मैं यही एंड कर रही हूँ, और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपनों के साथ रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।